कई बार ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान गलत फोटो का इस्तेमाल करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में पाकिस्तान की पोल खुल ही जाती है। आपको याद होगा सितंबर में पाकिस्तानी एम्बेसडर मलिहा लोधी ने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक फर्जी तस्वीर को कश्मीर की बताकर दुनिया को गुमराह किया था। उस वक्त पाकिस्तान कश्मीर में लोगों के साथ अत्याचार होने का दावा कर रही थी, लेकिन असल में ये फोटो गाजा वॉर में जख्मी हुई एक लड़की की थी, जिसके कुछ ही घंटों में तस्वीर की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई और पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हुई। ऐसा ही दोबारा पाकिस्तान ने कुछ करने की कोशिश की और फिर शर्मसार होना पड़ा। इस बार फिर एक लड़की की फोटो डालकर उसने दुनिया को गलत मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन इस बार भारतीय बेटी ने पाक को सबक सिखा दिया। जी हाँ, पाकिस्तान डिफेंस के ऑफिशियल पेज में एक भारतीय लड़की का इस्तेमाल करते हुए गलत मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में पोल भी खुल गई और पाकिस्तान डिफेंस का पेज ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। बता दे, जिस भारतीय लड़की की फोटो पाक डिफेंस ने डाली थी उसका नाम कवलप्रीत कौर है। पोस्ट की गई तस्वीर में कवलप्रीत कौर ने अपने हाथों में एक कागज लिया हुआ था, जिसमें लिखा था, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ जो अपने धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ खड़ी हूँ, मुस्लिमों को पीटकर मार डालने के खिलाफ लिखती रहूंगी। लेकिन पाकिस्तान डिफेंस ने ऐसी ही फोटो ट्विटर पर पोस्ट की, जिसमें कागज पर लिखा था, मैं एक भारतीय हूँ लेकिन मैं भारत से नफरत करती हूँ, जिसके बाद तुरंत कवलप्रीत ने ट्विटर से पाकिस्तान डिफेंस के पेज को बंद कराने की मांग की। शिकायत मिलने के बाद ट्विटर ने भी कुछ ही घंटों में पाकिस्तान डिफेंस का अकाउंट डिलीट कर दिया, जिसके बाद कवलप्रीत को बधाई मिलने का सिलसिला शुरू हो गया और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने में भारतीय पीछे नहीं हटे और कुछ गलत ना करने की नसीहत दे डाली। कवलप्रीत ने भी ट्विटर को धन्यवाद किया। वायरल कीड़ा न्यूज़।